I'm marveling your eyes, swimming in your sky. I've never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. You know I'm so much stronger when you're touching me. वेलकम टू माई चैनल गाइज। एंड आज हम लोग चल रहे हैं एक लखनऊ की न्यू प्लेस पे, तो चलिए ले चलते हैं आपको वहाँ पे। और देखिए, हमने जो स्टार्ट किया था जर्नी वो गोमती नगर से किया था, और इसका रीज़न ये है, आप देख सकते हैं ये व्यू। क्योंकि अगर किसी प्लेस पे हम जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्या हमारा रास्ता बोर तो नहीं होने वाला। नहीं, तो इसलिए हमने ये रास्ता चूज किया क्योंकि ये काफ़ी पीसफुल, आप देख सकते हैं दूर दूर तक, मतलब इतनी शांति और इतना अच्छा फील हो रहा है, लाइक कि एक सिटी में होते हुए भी, मतलब ये ऐसी प्लेस को हम इस तरीके से जाते हैं। वैसे रास्ते तो बहुत हैं वहाँ जाने के लिए, लेकिन हमने ये चूज किया और इसका रीज़न यही है। आप देख सकते हैं कि जानेश्वर मिश्र पार्क का ये दूसरा गेट है जहाँ अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है आई थिंक। और यहाँ से अगर आप जाते हैं, जानेश्वर मिश्र पार्क का जो मेन गेट है वहाँ से जाते हैं, इस व्यू का लुफ्त उठा सकते हैं। सो आप ये देख सकते हैं ये रिवर नदी और ये प्यारा सा टनल जिसके अंदर से लोग आ रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत और एडवेंचर लग रहा है मुझे और आपको भी लगेगा। तो ये रास्ता मुझे दिखाना ज़रूरी था क्योंकि ये मेरे को एडवेंचर वाली फीलिंग्स दे रहा था। तो मुझे लगा यार, जितनी मतलब खूबसूरत प्लेस नहीं है उतना खूबसूरत ये व्यू है जो रास्ते का है। और मैं तो यही चाहूँगी कि जो भी जाए और तो दोनों चीज़ का लुफ्त उठाए, रास्ते का भी उठाए, ये नहीं कि रास्ता बोर हो जाए पहुँचते पहुँचते। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं दिलकुशा, जो कि आप लोगों को पहले पता चल गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये है दिलकुशा और दिलकुशा के रोड पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिलकुशा का एक पार्क बना हुआ है, मतलब ये गार्डन है दिलकुशा गार्डन, आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। बट हम लोग जा रहे हैं दिलकुशा कोठी, तो हम एंटर कर चुके हैं दिलकुशा कोठी के अंदर। आप देख सकते हैं ये मेन गेट है और यहाँ पे पार्किंग का भी है सिस्टम, आई मीन मतलब आगे लोगों ने पार्क कर रखा है स्कूटी एंड ऑल। तो हम लोग हैं दिलकुशा कोठी और ये जो है लखनऊ में है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। और चलिए आपको दिखाते हैं इस बिल्डिंग को, आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत ही पीसफुल जगह है। तो आपकी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए चलते हैं बिल्डिंग की तरफ। जो ये दिलकुशा कोठी है, ये मतलब एक तरफ से पहले ये बहुत ही पुरानी कोठी थी, लेकिन इस टाइम ये है कि लोग इसको पार्क की तरह यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो है काफ़ी पीसफुल एरिया है, अगर आप चाहें लखनऊ में जब भी आएँ तो अगर आपको पीसफुल एरिया अगर आप चूज कर रहे हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मतलब फैमिली के साथ भी आ जाएंगे, इतना बड़ा पार्क नहीं है। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो रेजिडेंशियल जो भी चीज़ें हैं गवर्नमेंट की है, यहाँ पे ISPCS जो भी लोग हैं वो इधर ही रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये एरिया कितना पीसफुल होगा। तो आप यहाँ आके चिल कर सकते हैं और बिल्डिंग्स देखकर आपको तो लग ही रहा होगा कि कितना खूबसूरत है, इसका जो आर्किटेक्चर वगैरह जो भी हुआ है वो काफ़ी खूबसूरत है। तो ये जो बिल्डिंग है एक यूरोपियन स्टाइल जो होता है उस तरीके से बना हुआ है, और इसके जो ब्रिक है काफ़ी पतले हैं। और ये जो माना जाता है कि ये जो बिल्डिंग है काफ़ी पहले बहुत खूबसूरत थी। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे
जो चीज़ मुझे दिखी वो मतलब ये है कि अगर आप चिल करना चाहते हैं, काफ़ी पीसफुल जगह है, मैं रिपीट पे बोल रही हूँ कि ये प्लेस काफ़ी पीसफुल है, आप आके यहाँ पे बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं। और ये लखनऊ हजरतगंज की बात करें तो वहाँ से 2 किलोमीटर की रेंज पे है, काफ़ी दूर नहीं है, और गोमती नगर से आते हैं तो 7-8 किलोमीटर लगेगा। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और बस चिल कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा नहीं है लेकिन जितना भी है बहुत पीसफुल है। और एक और है प्लस पॉइंट, यहाँ पे कोई टिकट्स नहीं है यहाँ पे, और आप एंट्री करेंगे और फिर आ जाएंगे, सो मेरे अकॉर्डिंग आप घूम सकते हैं यहाँ पे। The only thing I do is lay here next to you. We need to slow इसके अंदर क्या है। तो कब मुझे लगा इसके बहुत ही नीचे कुछ होगा, बट कुछ है नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ भी कहो, काफी पीसफुल लग रहा है और अच्छा लग रहा है। ये पहले जो थी पुरानी पूरी कोठी बनी हुई थी, ऐसा मतलब कहा जाता है यहाँ पे, जो हिस्टोरिकल चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये यहाँ पे कोई अटैक हुआ और ये सारी जो कोठी है वो डैमेज हो गई, उसके बाद ये ऐसे ही है। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा है। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से और भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिल सकती है, लखनऊ बेस्ड और या फिर बाहर की भी, तो आप जुड़े रहे इस तरीके से हमारे साथ। तो चलिए टाइम है ब्लॉग को एंड करने का, तो गुड लक, बी सेफ एंड थैंक यू सो मच।